said, Lisa. Don't be shy. Just like we used to. Come on. Keep up. Take it back to the old school. Hey boys, welcome back to a brand new episode of Death Stranding. तो आई होप अब तक तुम्हें इस सीरीज में बहुत मजा आ रहा होगा. एंड आज हम एक बार फिर से वापस आ चुके हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में. ये आई गेस हमारा इस सीरीज का लगभग 11th पार्ट है आई गेस. तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे पोज कर दी थी, हम बिल्कुल डेस्टिनेशन पे यहाँ पे आ गए थे. और सो डेस्टिनेशन ये रही हमारे सामने. एंड तो इसी ऑर्डर को पहले कंप्लीट कर देते हैं, देन उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है. चलते हैं हमारे ब्रिजिस के हेडक्वार्टर्स के अंदर. वेलकम सैम. एक्टिवेटिंग द टर्मिनल. डिलीवरी कर देते हैं हम पूरी कंफर्म. ये पकड़ो भाई साहब अपने डिब्बे और हमारे पैसे वापस करो तुम पूरे. ये हो गया आपका काम. ओके सो हमने कार्गो इनको दे दिया आई गेस. जो हमारा ऑर्डर नंबर 14 था इसी के साथ ये हुआ खत्म. मैं भी यहाँ पे हूँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में. वेस्ट ऑफ कैपिटल नॉट सिटी. कैपिटल नोट सिटी से चल के मैं आया था. इस मिशन में हमने काफ़ी बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया था अगर तुम्हें याद होगा पिछले वीडियो से. क्योंकि लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर था आई गेस. पता नहीं 2 किलोमीटर था. दो बार बीटीस हमारे रास्ते में आए थे, उनको मारते मारते देख लो मेरे को सर्दी भी लग गई. पूरे रास्ते एक्चुअली बारिश ही तो हो रही थी. बट जो भी हम सक्सेसफुली अपने डेस्टिनेशन पे तो आ ही गए. लेस देन 50% डैमेज भी हो गए क्या? रिपेयर कर तो लिए थे मैंने. ओके प्राइवेट रूम में चलें क्या? ठीक है प्राइवेट रूम में चलते हैं. अभी हम नीचे थोड़ी देर आराम करेंगे. लग रहा है मेरे को असली में भी थोड़े आराम की जरूरत है, सर्दी लग गई एक्चुअली. नहीं नहीं सो जा भाई सो जा. तुम लोगों को गेम में वैसे अभी कितने भी चाहे स्लो लगे कुछ भी लगे बट आगे कुछ धमाकेदार जरूर होने वाला है. अभी तो मैं बेशक लग रहा होगा कि हम कार्गो इधर से उधर डिलीवर किए जा रहे हैं बस इतना ही. बट ऐसा नहीं है. ट्रेलर्स तुमने देखे होंगे इस गेम के पहले. अगर तुम लोगों ने ये गेम खेली भी नहीं है तो ट्रेलर्स तो तुमने देखे ही होंगे कि स्टोरी तो देखो तगड़ी है इसकी. इस गेम की स्टोरी तो कुछ है दमदार. और वो क्या है वही तो हमें रिवील करना है. मेरे को ये कैप चाहिए यार. अरे ब्लैक ही अच्छी लगेगी.
ये ट्राई करते हैं, गोल्डन कलर की, वाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, नहीं या ब्लैक ही ठीक लगेगा आई गेस। और कोई है जो अच्छा लगेगा इसमें? ठीक है, ये ब्लैक ही रखता हूँ। कैप भी ठीक है, ठीक है ये वाले कलर की लेके देखते हैं, होना तो खैर क्या है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट तुम्हारी अपीयरेंस में फर्क पड़ जाएगा। एंड अनलाइक GTA तुम्हें इसमें अपीयरेंस से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये गेम GTA जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इस गेम एक स्टोरी है जो कुछ बहुत ही डीप है। फ्लैशबैक अगेन। Like we used to. Come on, keep up. Oh, fuck. तुम एक चीज बताता हूँ मैं, ये जो है इसका फेस देखो, तुम ध्यान से देखो इसका फेस। Today is mommy's birthday. तुमने इसको पहचाना कौन है? ऑफ कोर्स तुमने पहचान लिया होगा, किसी ना किसी मूवी में देखा होगा। अच्छा और कुछ नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज तो देखी होगी, मार्वल के फैन हो तो, जो डॉक्टर स्ट्रेंज के अपोजिट होता है, जो उससे लड़ाई करता है। याद आया, ये वही है, मेरे को लगा था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, अरे यार ये तो देखा है, ये तो हॉलीवुड में देखा है ना, ये वही एक्टर है। और इन्होंने सिर्फ वॉइस ही नहीं, कैरेक्टर भी बिल्कुल वही बनाया है। ओके, ऑर्डर नंबर 14 डिलीवर, और अभी पूरा नहीं हुआ क्या यार? शिट मैन। ओके सो ये अभी ऑर्डर, ये भी चल रहा है, ऑर्डर नंबर 12 भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके हाँ, चार कंटेनर तो हमने डिलीवर किया ही नहीं है, कोई बात नहीं, अभी कर देंगे। भैया कोई कार वार मिल जाती तो अच्छा रहता, या तुम एरोप्लेन ही दे देती। डेस्टिनेशन पोर्टनोट सिटी जाना है हमें, यहाँ से 1746 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। हर बार की तरह ये रास्ता भी इजी नहीं होगा हमारे लिए, अगर बेटीज मिलेंगे तो बिल्कुल इजी नहीं होगा। पिछला एपिसोड तुम्हें याद हो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि क्यों इजी नहीं होगा। Sam, it's Hartman, your friend and fellow doom sufferer. our affliction, such as it is, began with the beach, or rather, our discovery of it. Once, the question of life after death was answered only by religion and philosophy. But when we learned of the beach's existence, death became something more tangible, knowable. The living soon walked the shores of the afterlife, while dead things, beached things, began to find their way back. And then came Dooms, and with it a host of theories advanced by physicians and psychologists, desperate to explain the world's newest mystery. The symptoms were duly categorized and stratified into levels. Okay. मेरे को तुम्हारी पूरी बात समझ भी नहीं आई। The specialist must have been climbing over one another to get a look at you. Oh, डूब गया, shit. PV stress level increasing. अरे यहाँ तो बहुत गहरा पानी, अरे ब्रिज है, अरे shit. स्ट्रेस बढ़ रहा है इसका, पहले पहले तो इसको सेटल करो, पहले बीबी को सेटल करना पड़ेगा। डीप वाटर, इन डीप वाटर भाई, ठीक है भाई, खड़ा हो भाई, मतलब सो जा भाई। ओके नाउ इज फाइन, हैप्पी। मतलब क्यूट है यार ये। ओ नहीं, गिरी मत। ओके जैसे भी करके हमने
नदी तो कर ले पा। अरे पानी मेरे को क्या पता था इतना गहरा होगा सच में यहाँ पे, मुझे लगा पहुंच जाऊंगा। 1560 मीटर हमें अभी और जाना है यहाँ से सीधा, शायद फिर से उस पहाड़ी के उस पार ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ तो हमें कोई दिख नहीं रहे हैं ब्रिजेस के डेस्टिनेशन, तो पहाड़ी के उस साइड ही होगी ऑफ कोर्स। हकुना मटाटा चलते रहो तुम। हकुना मटाटा तो यहाँ से तो रास्ता क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे पहाड़ी के ऊपर पहुँच जाएंगे ना तब दिक्कत आएगी। पिछली बार बहुत गिरे थे हम, एक्चुअली 2 बार गिर गए थे चढ़ते चढ़ते। कितनी खाली खाली लग रही है ना अभी जगह, बट ये जो रॉक्स है ना ये एक्चुअली आगे जाके वहाँ पे रास्ता हार्ड बना देती हैं। कोजीमा कोजीमा बारिश शुरू हो गई क्या? बहुत बढ़िया, तो मतलब बीटीज भी आ जाएंगे आगे जो बहुत दिक्कत करेंगे, बहुत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मेरा तो मन कर रहा है ग्रेनेड से एक एक को उड़ा दूं मैं। As expected, BTs are near. What the fuck? As expected, मैंने कहा था पहाड़ी पे हम चढ़ेंगे BTs आएंगे और तुम्हारी फटेगी, मतलब मेरी तो फटेगी। तैयार हो जाओ मेरे दोस्त, धीमे धीमे संभल के चलने के लिए और बीटीज को फोड़ने के लिए। बारिश आने की देर है बस। ओ ये रहे, बिल्कुल सामने ही आपने लेफ्ट में हमारे। कोई बात नहीं, हम राइट से जाएंगे। हम डरते थोड़ी हैं इनसे, मतलब हाँ मारेंगे ही ना बस, और थोड़ी कुछ कहेंगे, बस मार देंगे हमें और हमारा मिशन खत्म हो जाएगा यहीं पे। हकुना मटाटा, नो वरीज नो वरीज। अरे देख लो, एक तो रास्ता भी यहाँ पे इजी नहीं है, देख रहे हो तुम, जितना पीछे इजी लग रहा था ना उतना इजी है नहीं है ये रास्ता। कंटेनर डैमेज, बहुत बढ़िया। अब ये क्यों डैमेज हो गया? पहले डैमेज हुआ था ये शायद। अरे भाई भाई भाई, गिरियो मत प्लीज। ओके, हमें बच के जाना होगा जब तक हम इनका एरिया एस्केप नहीं कर लेते, उसके बाद तो मैं सीधा ढलान से जाऊंगा, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। ग्रेनेड मारूं क्या मैं? वैसे तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो मौसम यहाँ पे हो रखा है ना गेम में, एग्जैक्टली सेम मौसम मेरे यहाँ पे हो रखा है, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ।
सच में हो रखा है, बस फर्क इतना ये बेटीज ये भूत नहीं है यहाँ पे। आई गेस हम एस्केप कर, अरे नहीं नहीं नहीं, डेस्टिनेशन तो भी काफी दूर है, वेट भी कौन सा कम, 77 kg उठाया हुआ है हमने। शिट शिट शिट, सामने है बिल्कुल मेरे, मेरे को लगा पीछे रह गए होंगे। नहीं 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 भाई, वो भाई पास में है, वो बिल्कुल आवाज सुन सकता हूँ मैं, राइट साइड से आ रही है। और अगर टू फार फ्रॉम कार्गो, अरे यार एक तो इनकी थ्रिलिंग साउंड भाई, और अगर तुम्हें मेरे बैकग्राउंड से बादल गरजने की आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, या फिर उसे ऐसे समझ लेना कि ये गेम के अंदर ही आ रही है, बिकॉज उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। अरे और अभी भी आइए, यहीं पे राइट में, राइट में हो रहा है भैया, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं हूँ, यू कॉन्ट सी मी। आई गेस इसके आगे नहीं होंगे ये, बट जहाँ पे ये ख़त्म होंगे वेदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, यहाँ मैं आई गेस आगे रास्ता सेफ ही होगा। नहीं अभी हैं ये यहीं पे हैं, पीछे हैं अभी वो हमारे। ये जो लाइन है ये हमें डिसकनेक्ट और कनेक्ट करती है, इसके उस साइड पे हम कनेक्ट रहेंगे, इसके इस साइड से हम डिसकनेक्ट हो जाएंगे कायरल नेटवर्क से। शिट, Here we go again. इसको क्या हुआ यार, ये क्यों रो रहा और ये रास्ता कितना मुश्किल हो रहा है यार, यहाँ पे मतलब सिर्फ रॉक्स ही रॉक्स हैं, यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है। ओए ये तो अभी भी है यार, शिट, पता हर ऑर्डर में रास्ता और मुश्किल होता जा रहा है। पिछली बार ऐसा रास्ता कहाँ पे आया था, नहीं कोई शेम नहीं है भाई, भाग जा, वो बिल्कुल पास में, वैसे भी वो हमें छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल आगे हमारा वेलकम कर रहे हैं वो रे वो रहे, अरे भाई नहीं जाने दो मेरे को, keep it cool bro, keep it cool।
शायद बीबी का स्ट्रेस बढ़ रहा है यहाँ पे। ये बहुत बेकार रास्ता है यार। ओके शायद इसके आगे रास्ता क्लियर होगा। अरे कहाँ भाई, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है यार। ओ निकल जा निकल जा निकल जा यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाने दो भाई, निकलने दो। ओके आगे आगे क्लियर होगा, आगे वेदर क्लियर है। अब मैं भाग सकता हूँ यहाँ पे, मैं भाग सकता हूँ, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। बीटीस पीछे रह गया, अब मैं क्लियर हूँ। ओके नाउ वी आर क्लियर फाइनली। ओ कंटेनर रियन हो गए, ये रिपेयर नहीं हो सकते क्या? Baby looks happy. We finally escaped from Vitis. अभी डेस्टिनेशन अभी भी यहाँ से दूर है, और मेरे को लगता है डेस्टिनेशन पे पहुँचने से पहले वो फिर आएंगे हमारे रास्ते में जैसे पिछली बार आए थे। 700 मीटर अभी और है, पहले की तरह होगा। अभी मैं यहाँ से स्लाइड करते जाऊंगा और आगे उसके बाद बीटीज मेरा वेलकम करेंगे। चलो भाई म्यूजिक सुनो तुम, इस गेम का म्यूजिक अच्छा भी है बुरा भी है। गिरियो मत भाई, गिरियो मत। ओ नो नो ना ना, नहीं 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 नहीं। अरे उतरने में बहुत मजा आता है सच में, इसमें उतरने में मजा आता है। अरे कितनी जल्दी जा सकता हूँ उतर के यार, और चढ़ना कितना हार्ड है। अब मेरे को बैलेंस बनाना आ गया, मैं उतरते हुए गिरता नहीं हूँ जैसे पहले गिर रहा था। आई गेस आगे हम क्लियर है, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, रास्ता साफ है। अभी हम पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी हमारे डेस्टिनेशन पे। मैं कह रहा हूँ पूरा रास्ते चल ऊपर क्लाइम करने का। अरे ना 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 ना, नहीं भाई नहीं, गिरने तो मैं दूंगा ही नहीं। गिरने की गलती मैं कल दो बार कर चुका हूँ, जो कि दोबारा रिपीट नहीं होगी। ये गाना एक्चुअली ठीक है, अच्छा है। ओके अब हम यहाँ से चले जाएंगे आगे, तो सिटी है पोर्ट नोट सिटी, पहुंच गए हम पोर्ट नोट सिटी। इस बार उतरने के बाद बीटीस नहीं आए, लेकिन वहाँ पे काफी लंबी देर के लिए, वो एरिया मुश्किल था, सच में मुश्किल था वो। अरे तो मैं कौन से वेपन लेके आया हूँ, वेपन यूज इज रिस्ट्रिक्टेड। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, कंटेनर ज्यून्ड बता रहे हैं यार, ऐसे कैसे ट्यून्ड यार, मैं इतनी दूर से लेके आया हूँ, मैं पागल वागल हूँ क्या? 2 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम कोई बाइक या गाड़ी भी नहीं दे रहे हो मेरे। गेम की स्टार्टिंग में इतनी मस्त बाइक थी यार हमारे पास, देख लो तुम, तुमने देखी होगी जिसने सबसे पहला एपिसोड देखा है।
वो तो शायद ट्रेलर में भी था वो सीन, शायद, पता नहीं, शायद नहीं था ट्रेलर में, नहीं था। ओके फाइनली आ चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पोर्ट नॉट सिटी पे, जहाँ पे भी हैं ब्रिटिश के हेडक्वार्टर्स। आखिरी के 700 मीटर कितने इजी थे ना एक्चुअली, और चढ़ने के 700 मीटर में ऐसी तैसी हो गई मेरी, और उतरने के 700-800 मीटर जो थे बिल्कुल इजी थे। अरे यार ये बॉक्सेस डैमेज बता रहा है, मतलब कोई पंगा मत करे यार, ये कह दे भैया ख़राब हो चुका है, डिलीवरी चुपचाप ले लो भाई, हमें नहीं पता, तुम खुद ठीक कर लेना डिब्बे। ओके मैंने तो डिलीवर कर दिया, आई गेस ऑर्डर नंबर 14 पूरा हो जाना चाहिए जैसा मुझे लगता है। यू द पोर्टर, द वन मैन आर्मी सेंट यू द वर्क विद टीम, यू एंड योर 2 फीट टू फिल। क्या हुआ अंकल, आपकी क्वालिटी क्यों डाउन हो गई आपके होलोग्राम की? पता नहीं। ओह शिट, डिलीवरी कंप्लीटेड फाइनली। ओके ओके ठीक है। मुझे यही डर था कि कहीं ये कोई कहीं कोई बकचोदी ना कर दे ये कि तुम्हारे डिब्बे तो डैमेज हो चुके हैं, हम नहीं ले सकते, भैया तुम्हारा तो खाना बेकार हो चुका है। ओ ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे नहीं पता, अरे होलोग्राम कितना क्लियर हो गया विक्टर का, ये क्या, इसकी तो फटी पड़ी थी इसके होलोग्राम की। ओके बढ़िया, सही, मेरे को नहीं पता था उससे ऐसे हो जाएगा। आधी बातें तो सच में पता है कंफ्यूज कर देती हैं इनकी। नहीं सच में, अंकल आपके पास बीटीज को इलाज है उनको भगाने का? You live through a catastrophe like that, only to keep on doing the same work. Okay. देखो मैंने अंकल आपके होलोग्राम की क्वालिटी अच्छी की है, तो आप बेटीज को भगाने में मेरी मदद करो। You take good care of that little guy. अरे तुम लिटिल गाय की टेंशन मत लो, उसको मैं देख लूंगा। All right. तुम लेबोरेटरी वाले से अच्छा रखूंगा मैं। अरे भाई वो आ गई फाइनली, वही लोंडी आ गई, हमारी नई प्रेसिडेंट अमेरिका की, रियल में नहीं अकॉर्डिंग टू गेम। Time,
will be ours again. All because you led the way. Though what okay. isn't always good. Any city that joins the UCA becomes a bigger target for the terrorists. But we have to accept the dangers and But we have to accept the dangers and no matter on. What. श्योर तो मैं कोई और मदद करूं आपकी तब से तो भाग ही रहे हैं हम भेजो मैडम बताओ नया मिशन थैंक्स वन मोर सी इन द यूसीए हां सो यू फिक्सिंग अक्रॉस द लेक एंड हेड वेस्ट या वी गॉट अ बोट वी गॉट अ बोट बोट मिलेगी क्या हमें बट बोट का क्या करूंगा मैं नदी तो पार करनी है बाकी तो फ्लोर है मतलब घास फूस है जंगल है पत्थर में बोट चलेगी क्या एक बाइक दे देते अंकल आई गेस हम आज का एपिसोड हमें यहाँ पे पॉज कर देना चाहिए मिशन में हमारा ऑर्डर नंबर 14 फाइनली पूरा हो चुका है 14 एक्चुअली तब पूरा नहीं हुआ था ये 14 ही था जिसमें आगे हमें ये भी करना था ये भी मतलब उसी का पार्ट था ये एक्चुअली ये ऑर्डर काफ़ी बड़ा था यार काफ़ी बड़ा था पिछले 2-3 एपिसोड से लगे ही पड़े हैं हम इस पर हर जगह बीटीज ओके ठीक है यार फिर मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा तो मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अगले वीडियो में मैं जा रहा हूँ प्राइवेट रूम में तब तक के लिए बाय